परम पूज्यारिका स्वामी नंदनी माता जी का 15वां संयमोत्सव समारोह जैन धर्मशाला राजखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया। संयमोत्सव समारोह के पावन अवसर पर आयोजित कुलानुवाद सभा में आर्यिका श्री सुयोग्य नंदिनी माता जी ने अपने उद्बोधन में पूज्य गुरुमा आर्यिका स्वामी नंदिनी माता जी की जीवन यात्रा वृतांत सुनाते हुए बताया कि 2 अगस्त 1976 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक छोटे से ग्राम लखलका में मुख सप्तमी के दिन श्रावक सृष्टि श्रीमान मन्नूलाल जी जैन के परिवार में माँ श्रीमती विजय रानी जी कुछी से हुआ था। गुरुमा प्रारंभ से ही देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान थी। आप बचपन में खेल खेल में ही अपने सहपाठियों को धर्म उपदेश देती थी। अपने परम पूज्य गुरुदेव अविच्छण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री पशुनंदी जी महाराज से सीखनी में 30 नवंबर 2008 को आर्यिका दीक्षा ग्रहण की। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी गुरुमा के चरणों में संयम साधना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह गुरुमा की कृपा से हूँ। गुणानुवाद धर्मसभा का कुशल संचालन करते हुए प्रतिष्ठाचार्य पंडित राकेश जी शास्त्री भूरा पंडित जी आगरा ने अपने काव्य पाठ द्वारा सभी को आनंदित किया। परम पूज्य अविच्छण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री पशुनंदी जी महाराज की परम प्रभाव शिष्या आर्यिका सोम नंदिनी माता जी के 15वें संयमोत्सव समारोह के शुभारंभ में मंगलचरण कुमारी रिया कुमारी श्रुति जैन ने किया। चित्रावरण मुख्य अतिथि दीपक जैन खंडेलवाल DSP राजाखेड़ा एवं रतन सिंह जी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका राजाखेड़ा ने दीप प्रज्वलन सब्सिडी राजीव पाटनी नवीन दोराया अनिल दोराया हीरा जैन लवलेश प्रयत्न ने किया। आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय परम पूज्य आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव आइए चलते हैं 46 साल पीछे सन 1976 की ओर जब पूज्य गुरुमा का जन्म हुआ था। बात है 1976 की 76 2 अगस्त का दिन जिस दिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को मोक्ष हुआ। दमोह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम लखलका है श्रावक श्रेष्ठी मन्नूलाल जी के यहाँ श्राविका रत्न विजया रानी ने एक बहुत ही सुंदर सी एक बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची बचपन से इतनी पुण्यात्मा थी कि इसका नाम क्या रखना है ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रकृति ने पहले ही सोच रखा था क्योंकि जिस गांव में पूज्य गुरुमा का 2 अगस्त 1976 को जन्म हुआ उसी 2 अगस्त के दिन उस लखलका गांव में पहली बार हर घर में लाइट आई थी। जहां पूरे घर वालों ने प्यार से उस छोटी सी बच्ची को अंजना कहा क्योंकि रात्रि के अंधकार को दूर करने वाली वही पूरा गांव दुलार से छोटी सी बच्ची को रोशनी कहा करता था क्योंकि हर एक घर में प्रकाश जो हो चुका था। यूं तो बच्चे बहुत ही मासूम और देखने में बड़े अच्छे लगते हैं लेकिन पूज्य गुरुमा सभी बच्चों से थोड़ी सी अलग थी।